हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को फिर से राहुल एजुकेशन पॉइंट पर। मैं हूं राहुल सर, आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैं आप सभी के बीच मॉडल सेट वन को कवर किया था, जितने सारे ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट वन में था मैंने आप लोग को बताया था। आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो कि पढ़ाई तो किए हैं परंतु उनको ये संतुष्ट नहीं हो पा रहा है कि मैं अच्छे नंबर कैसे ला पाऊंगा एग्ज़ाम में, मैं अच्छे अंक से कैसे पास हो पाऊंगा। उनको लग रहा है, ऐसा डर लग रहा है कि मैं कैसे पास हो पाऊंगा। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ऐसे 80 क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर दिया गया है, जो मॉडल पेपर निकाला गया है, मैं उस मॉडल पेपर में जितने सारे ऑब्जेक्टिव है मैं आप लोगों के बीच में आज लाया हूँ। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहूँगा, आज इस 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को पूछे जाएगा 100% ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। बिहार बोर्ड के एग्जाम में 10 से 12 अंक आपको अगर लेना है तो आज इस वीडियो को देखना ना भूले, आज इस वीडियो को ना स्किप करें, पूरा शुरू से अंत तक देखें जो आपको और आपकी पढ़ाई के दृष्टिकोण से आपको यूजफुल लगेगा। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया है, उस बिहार बोर्ड के द्वारा जो दिया गया है उसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव है साइंस का, उसको आज कवर करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में बने रहे आप लोग और आज बताने वाला हूं ऐसे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको यहां से अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो पक्का आपको है 10 से 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं उन लोग से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि बहुत ही मेहनत करने के बाद आप लोगों को मैं वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर और आप लोगों के बीच में आता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग होगा वीडियो परंतु काफ़ी यूजफुल होगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल साइंस, जो कि कंपलसरी है यानी कि अनिवार्य विषय है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 80 क्वेश्चन को देखेंगे, 80 क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 80 प्रश्न देते हैं जिसमें 40 का जवाब देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 80 तक क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें 40 प्रश्नों का हम लोग को जवाब देना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग क्या कहते हैं उसमें एटीमेटिक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओनली 40 आपको क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ओनली 40 देना पड़ेगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये CBSE और बिहार बोर्ड के लिए भी है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से देखेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव अगर आप देख लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाएगा और यहाँ से ऑब्जेक्टिव 10 से 12 नंबर हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, इसका प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। तो एक में क्या कह रहा है, जड़ में, बी कह रहा है पुष्प में, सी कह रहा है तना में और डी क्या कह रहा है फल में। तो पौधों में कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या होगा, पुष्प में हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, जंतुओं में होती है या कवकों में होती है या फिर परजीवियों में होती है या फिर हरे पौधे में होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आप लोग जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलती है, एक में कह रहा है जल से, ग्लूकोज से, सी में कह रहा है CO2 से और डी कह रहा है डिक्टियासोम से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, ये बायो का क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ होती है, यकृत में होती है या फिर अमावस्या में होती है या फिर अग्नाशय में होती है या फिर मुंह में होती है। तो कहाँ होती है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अमावस्या में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न कहाँ होती है, आप लोग जवाब देंगे स्टोमाटा में या फिर केंद्रक में या फिर माइक्रोकोंड्रिया में या फिर
कोशिका द्रव्य में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ये कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवयवीय से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन है। तो एंड्रियनल, प्यूटरी, या फिर मेंडुला, या फिर थायराइड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्यूटरी होती है, प्यूटरी ग्रंथि में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कह रहा है विसरण, बी कह रहा है वाष्पोत्सर्जन, सी कह रहा है परागण, डी कह रहा है निषेचन। तो 8 नंबर का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो आप लोग को इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, आप लोग देख लेंगे, बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड के लिए भी है। तो 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है घेगा रोग पनपता है, घेगा रोग पनपता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को जानते भी होंगे आजकल, ये तो घेगा रोग बहुत ही कम लोगों में ऐसा देखने को मिलता है, पहले के ज़माने में घेगा रोग मैक्सिमम लोगों को हुआ करता था, क्योंकि क्या होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घेगा रोग क्या होता है, पनपता है, आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दें फटाफट वीडियो को। 10 नंबर क्वेश्चन का, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। रक्त में क्या होता है, हल्के पीले रंग होते हैं, जो क्या होते हैं, चिपचिपे द्रव जैसे होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक में कह रहा है प्लाज्मा, बी कह रहा है लिफॉर्म, सी कह रहा है सीरम, और डी कह रहा है सफ़ेद रक्त कणिकाएं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर से राइट किया 10 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या होगा, प्लाज्मा में होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हम लोग कह रहा है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, रक्तचाप जो मापा जाता है ना, कि इसको क्या कर रहते हैं, ऑप्शन नंबर इसको डी कहेंगे, 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्फिग्मोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, रक्तचाप को हम लोग मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है जंतुओं में, पौधों में या फिर पौधों और जंतु दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, यानी कि पौधों में होती है वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, कहाँ में, पौधों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऊँट में, बी कह रहा है घोड़ा में, सी कह रहा है तिलचट्टा में, या फिर कह रहा है डी में, कह मानव में। तो 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तिलचट्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, देखिए 14 नंबर कह रहा है कि रक्त क्या है, रक्त क्या है, एक पदार्थ है या फिर उत्तक है या फिर कोशिका है, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या है, एक उत्तक है, क्या है, रक्त क्या है, एक उत्तक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, जो मूत्र का पीला रंग होता है ना, किसके वर्णक कारण होता है, आप लोग जानते होंगे। तो 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा, यूक्रोम, क्या होता है, यूक्रोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो आप लोगों की एक ही वीडियो में 80 क्वेश्चन को कवर कर देंगे, ताकि आप लोग अच्छे से इसे देख पाएंगे। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है, हाथी, गाय, कुत्ता, केचुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केचुआ है, क्या है, उभयलिंग जंतु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया जो है रक्त में प्रवेश करती कहाँ से, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, ये यकृत से होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जीव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, जीव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है। एक में कह रहा है CFC, बी कह रहा है DDT, सी कह रहा है ATP, या डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, DDT हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है।
प्राथमिक उपतक क्या है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो कौन सा है, आप लोग जानते हैं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कुआं हो जाएगा, नदी भी नहीं होगा, समुद्र भी नहीं होगा, तालाब भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कुआं हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो क्या कहलाता है, मेंडलावाद, लमार्कवाद, डार्विनवाद या सूक्ष्म विकास, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 21 का सी हो जाएगा, डार्विनवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, यानी में से कोई नहीं, 22 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पादक, ठीक है, कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, देखिए अंडोत्सर्ग का कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो, एक में क्या है LH, बी कह रहा है एस्ट्रोजेन, सी कह रहा है FSH, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, 23 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा LH हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेंगर हेंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, लेंगर हेंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है, अंडाशय में, अमाशय में, अग्नाशय में या वृक में, तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अग्नाशय में पाई जाती है, ठीक है। बहुत ही आप लोग को ज़्यादा इसको विखंडन नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो हमको जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेकर नहीं बनाना है, बहुत ही शॉर्ट बनाना है, इसीलिए आप लोग को ज़्यादा मतलब इसमें विखंडन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है, ऑप्शन ए कह रहा है आयरन, बी कह रहा है मैंगनीज, सी कह रहा है क्लोरीन, डी कह रहा है आयोडीन, तो 25 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, इसका इंग्लिश में आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, निरसलन कणिकाए पाए जाते हैं, 26 का क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या, न्यूरॉन में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है, मानव मस्तिष्क का वजन आप लोग बहुत जानते होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कह रहा मानव मस्तिष्क का वजन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.2 से 1.4 केजी तक होता है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, कह रहा निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो निकट दृष्टि दोष तथा अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, मैंने आप लोग को बताया भी था, उसके बारे में पढ़ाया भी था, अच्छे से मैं बताया भी था, तो 28 नंबर का गाइडेंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है, मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, अच्छा से मैं पढ़ाया भी था, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को विजिट नहीं किया जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने दर्पण के बारे में आप लोगों को समझाया था एग्जाम्पल देकर के। तो 29 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण, जो साइड मिरर के रूप में हम लोग यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, उत्तल दर्पण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता, सीधा होता, छोटा है, इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर का क्या होता है, इनमें देखिए होता है, आभासी भी होता है, सीधा भी होता है और छोटा भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए क्या कह रहा है, 32 नंबर कह रहा है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है, वो किसके कारण होता है, आप लोग जानते होंगे ये क्या होता है, प्रकाश के परिकीर्णन के कारण ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है तो कितनी होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर दिए ऑप्शन में क्या आ गया, 25 मीटर, इसके बाद बी कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर और डी सी कह रहा है 25 सेंटीमीटर और डी कह रहा है 2.5 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर होगा, 25 सेंटीमीटर। इसको देख लीजिएगा, सेंटीमीटर में होता है, मीटर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, 34 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, +2 डायोप्टर होती है। इसको अगर निकालेंगे तो आप लोग निकल जाएंगे, फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होती, +2 डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, एक प्रिज्म होता है ना वो कितने सतहों से घिरा रहता है, 35 का क्या ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 सतहों से घिरा रहता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, दृष्टि पटल द्वारा और पक्षाभिपेशिका द्वारा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कितने नियम हैं, दोनों का क्या हो जाएगा, मतलब दो नियम होते हैं, अपवर्तन का भी होता है और परावर्तन का भी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं और अपवर्तन का भी दो नियम होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग जरूर जानते होंगे। और 38 कह रहा है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। चलिए कह रहा 39 नंबर कह रहा है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, फोकस से, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से या इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 39 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था डायग्राम के माध्यम से, आप लोग जाकर विजिट कर ले वीडियो को। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरते हैं तो इसका नहीं होगा, तो क्या कह रहा है, अच्छा इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा या फिर वर्ण विक्षेपण नहीं होगा या विचलन नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण इसका नहीं होगा, जब भी एक प्रिज्म में एक वर्णी किरण गुजरेगी तो क्या होगा, वर्ण विक्षेपण बिल्कुल नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 41 का, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, तो कौन करती है, उच्च दाब की हवा, स्थिर हवा या गतिमान हवा या इनमें से कोई नहीं, 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि गतिमान हवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गतिमान हवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, तो कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है या फिर कभी कभी धनात्मक या इनमें से कोई नहीं, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा है, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है, आयोडीन, ग्रेफाइट, हीरा, सल्फर, तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, क्या होगा, ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है, क्या ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है, 44 क्वेश्चन कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, तो अगर वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, आप लोग को पता ही, इसको निकालेंगे तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, अविलंब से दूर हो जाएगी, अविलंब के साथ संपाती या फिर अविलंब के
नज़दीक या इनमें से कोई नहीं, तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, आप लोग को पता ही होगा जनित कहते हैं या मोटर कहते हैं या मीटर कहते हैं या इनमें से गैल्वेनोमीटर कहते हैं, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, जनित कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने क्या कहते हैं, हम लोग जनित बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या बायोगैस। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, तो इसका राइट आंसर का 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, विक्षेपण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कह रहा 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है। यहाँ पे विद्यार्थी जो है ना कन्फ्यूज कर जाते हैं गाइज, इसको ध्यान देंगे, क्या करते हैं कभी कभी 220 वोल्ट दृश्य धारा कर देते हैं, तो कभी क्या कर देते हैं 12 वोल्ट दृश्य धारा कर देते हैं, कभी 12 वोल्ट प्रत्यय धारा कर देते हैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूज करने के लिए आपको दे देगा दृश्य धारा या फिर प्रत्यय धारा, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, तो 49 का राइट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है, क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा होता है, ठीक है, इसको हम लोग अच्छा से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ता की परमाणु संख्या होती है, जस्ता की परमाणु संख्या क्या होती है, आप लोग बताइए, जस्ता की परमाणु संख्या बहुत ही अच्छा आप लोग जानते ही होंगे, जस्ता की परमाणु संख्या क्या होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, यानी कि 30 होती है, 30 होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है देखते हैं कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है आप लोग को पूछा भी जाता है बार बार, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, क्या कहता है, निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है, निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है, तो 52 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NaOH होता है, NaOH होता है, इसको हम लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हेमाटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, तो आप लोग को पता होगा हेमाटाइट क्या होता है, यहाँ पर हेमाटाइट का नाम सुनते ही आप लोग का एफ ही लोहा हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हेमाटाइट जब भी पूछेगा हेमाटाइट तो क्या हो जाएगा, एफ ही मतलब लोहा हो गया, तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 का क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं, कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है, तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो होता है ना वो किस विधि होता है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, ये फेन उत्प्लावन विधि द्वारा क्या होता है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं गाइस, क्या कहता है कि अभिक्रिया 2ZN+O2 जब होता है तो बनता है 2ZNO, किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, विस्थापन, उदासीनीकरण या अपघटन, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, ठीक है, उपचयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों को, इसलिए इसको याद रखिएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा, क्या होगा, C6H12O6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्या कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालक करता है, क्योंकि अम्ल में जल में क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलय होता है या फिर अविलय होता है या आयनित होता है या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि क्या होगा, आयनित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, क्या कह रहा है, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, जो लिथियम होते हैं ना उनके बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप लोग को पता भी होगा 58 का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ये एक होते हैं, ओनली वन होते हैं, क्या होते हैं, वन होते हैं, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या होता है? शून्य समूह का तत्व क्या होता है? सी एल या एच होता है, या एच ई होता है, या एन ए होता है? तो 59 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एच ई होता है, शून्य समूह एच ई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, क्या कहता है, निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? एफ है या फिर के है या फिर आई है या एन ए है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? 60 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? 61 का राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा शरीर का पीएच मान क्या होता है? हमारा शरीर का पीएच मान क्या होगा? 2 से 3 होगा, या 5 से 7 होगा, या 7.0 से लेकर के 7.8 तक हो, या फिर 9.1 से लेकर 9.5 होगा? तो हमारे शरीर का हमारे शरीर का पीएच मान क्या हो जाएगा? 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 7.0 से 7.8 तक होता है हमारे शरीर का पीएच मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? अम्ल की बात करते हैं, तो 63 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है Na2O, सी बी कह रहा है CuO, सी कह रहा है Ca(H)OH2, डी कह रहा है H2SO4 होता है। तो राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, H2SO4 उसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कारण निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो हल्दी, लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज, या फिर लाल पत्ता गोभी? निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज होता। इसका राइट आंसर को ध्यान रखिएगा, बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी जल से अभिक्रिया कराएगी तो क्या बनाएगी? आपको पता होता है, कार्बोनिक अम्ल बनाएगी, आप लोग को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन है, कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन है सेवन, क्या कह रहा है? तो क्या हो जाएगा? 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक में कह रहा है Cu2Fe, ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन है Cu2Fe होता है, Cu2Fe होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 67 कह रहा है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु की बात हो रही है, तो धातु क्या? एक नंबर कह रहा है जिंक कह रहा है, बी कह रहा है सोना, सी कह रहा है लोहा, डी कह रहा है तांबा। तो सोच के जवाब देंगे आप लोगों को क्या होगा, प्रकृति मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या हो जाएगा? 67 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सोना हो जाती है। प्रकृति मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या होगा? सोना हो जाएगी, धातु की बात कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? निम्नांकित में कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील? Zn, Ag, Au या फिर Cu? 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Zn हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है कि किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यहाँ पे अधातु की बात कर रही है, यहाँ पे अधातु की बात कर रही है गाइज, इसलिए इसको ध्यान देंगे, अधातु की बात कर रही है, ठीक है। क्या कह रहा है, इसको ध्यान देंगे, अधातु की बात कर रही है। तो किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो 69 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4, 5, 6 और 7 होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी धातु के बाह्यतम सेल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 4, 5, 6 और 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 70 नंबर का, पीतल निम्नांकित में से किनकी मिश्र धातु है? पीतल की निम्नांकित में किसकी मिश्र धातु आप लोग को पता होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, Cu+Zn क्या होता है? मिश्र धातु है, इसको मिला करके क्या होता है? पीतल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समावयवी है? तो मेथिल एल्कोहल और डाइमेथिल इथर, एसीटीन और एनसीटिलेहाइड, सी कह रहा है एथिल एल्कोहल और डाइमेथाइल इथर, डी कह रहा है कि एथिन और
एथाइन, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कह रहा है CH3OH C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है, तो क्या हो जाएगा 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको निकालना पड़ता है जब इसका इस तरह का प्रश्न रहता है, तो यो IUPAC प्रणाली का नाम अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोपोक्सीथेमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कह रहे हैं लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो ऑप्शन के हम लोग देखते हैं, कह रहा है Fe3O4, बी कह रहा है Fe3O2, सी कह रहा है Fe2O3, डी कह रहा है FeO, तो 73 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, Fe3O4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, कह रहा है एक तत्व की परमाणु संख्या क्या है, 16 है, संख्या क्या हो 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व का वर्ग संख्या क्या होती है, कि अगर किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है तो आवर्त सारणी में इस तत्व का वर्ग संख्या क्या होगी, 74 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 16 ही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, यहाँ पे सोचने वाली बात कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे नहीं करता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कह रहा है CU कॉपर क्यों क्या होता है, अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 76 कह रहा है एक मिश्र धातु में 90% CU और 10% टीन है, तो इस मिश्र धातु का नाम क्या हो जाएगा, सोल्डर होगा, ब्रोंज होगा, पीतल होगा, जर्मन सिल्वर होगा, 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रोंज हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया बनाता है, क्या बनता है, H2 गैस बनाता है या O2 गैस बनाता है, या O2 और H2 दोनों बनाता है, ZNO बनाता है, तो 77 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि H2 बनाता है, क्या बनता है, H2 बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, AlCu AgHg, तो 78 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AU हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्या कहता है, देखिए 79 नंबर का, अयस्क में उपस्थित अपद्रव कहलाते हैं, अयस्क में जो उपस्थित अपद्रव होते हैं उसे क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं, धातुमल बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, गैंग बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कह रहा निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं, तो निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं, 80 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर जवाब देंगे कि कह रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, क्या होगा, तन्यता। निम्नलिखित में किस धातुओं के कारण तार बनाते हैं, तो तन्यता के कारण। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 80 क्वेश्चन ऐसे जो मॉडल सेट से आप लोगों को मैं बताया हूँ, अगर मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से इस वीडियो को जरूर देखे होंगे, अगर जरूर देख लिए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।